नमस्कार, मैं हूं कविता। नोटबंदी भारत के इतिहास में एक ऐसा कदम है जिसे उठाने की हिम्मत मोदी सरकार ने की। भले विपक्ष नोटबंदी को एक विफलता के तौर पर देखता हो, लेकिन मोदी सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी सफलता मानती है। नोटबंदी के बाद काला धन जन धन कैसे बन गया, ये बता रहे हैं राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला। 8 नवम्बर 2016 इतिहास के पन्नों में वो तारीख है जब मोदी सरकार ने देश भर में नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया। अपने इस कदम से मोदी सरकार ने जनता को भरोसा दिलाया कि भ्रष्टाचार पर फुल स्टॉप लगेगा और काला धन रखने वालों पर लगाम लगेगी। लेकिन इस कदम से मोदी सरकार को न सिर्फ जनता का गुस्सा झेलना पड़ा, बल्कि आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। देश से कितना काला धन बाहर निकलकर सामने आया है, इसके सटीक आंकड़े तो फिलहाल उजागर नहीं हो पाए हैं, लेकिन नोटबंदी से काला धन जन धन जरूर बन गया है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि देश के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का कहना है। उनकी माने तो जीरो बैलेंस से खुलने वाले जन धन खातों में आज 85,000 करोड़ रुपए जमा है, जो कि नोटबंदी के फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। शिव प्रताप शुक्ला का कहना है कि जो धन घरों में निष्क्रिय पड़ा था और उसका कोई उपयोग नहीं था, वह बैंकों में आ गया है। इस धन का उपयोग अब देश हित में हो रहा है। तो मोदी सरकार के मंत्री जी ने तो बता दिया कि देश का काला धन अब जन धन बन गया है, जो कि देश के हित में इस्तेमाल होगा। लेकिन देश के बाहर जो काला धन जमा हुआ है वो कब आएगा, इस पर सरकार हमेशा से अपनी चुप्पी साधे रहती है। तो मोदी सरकार का कहना है कि नोटबंदी के बाद काला धन जन धन बन गया है। सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो फिलहाल 2019 के चुनावों में जनता बता ही देगी। तो दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।